हम में से बहुत सारे बच्चे सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। आज हमारे साथ एक ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने एक सपना देखा था और आज उसको उन्होंने हकीकत में बदला है। आइए मिलते हैं प्रिया सिंह से। प्रिया, आप अपने बारे में कुछ बताइए, कुछ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं प्रेजेंट टाइम में आईआईटी बीएचयू में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ। ओके प्रिया, और इसके अलावा सीएसआईआर जेआरएफ एग्जाम के अलावा प्रिया आपने और कौन से एग्जाम्स क्वालिफाई किए? सीएसआईआर एग्जामिनेशन के अलावा मैंने डीबीटी जेआरएफ, गेट बायोटेक, गेट लाइफ साइंस और आईआईटी जैम जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया था। वेरी गुड। प्रिया, कुछ अपने अर्ली एजुकेशन के बारे में बताइएगा हमें। मैम, मैंने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर एआईटीएच कानपुर है वहां से किया था। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद आपने जनरली बच्चे गेट के प्रिपरेशन करते हैं बीटेक के बाद और एमटेक परस्यू करते हैं। आपको सीएसआईआर की प्रिपरेशन करने का आइडिया कहाँ से आया? मैम, जैसा कि सारे बच्चे यही सोचते हैं कि मैं गेट की प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी, फिर उसके बाद से एमटेक ज्वाइन करूंगी, ये मेरे मन में भी यही चीज आया था। मैं यही सोच कर कैटलिस्ट कोचिंग में आई थी, पर जब मैं यहाँ आई तो मैंने रुपेन सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ओके, समझाया कि तुम्हें सीएसआईआर जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मुझे उस समय नहीं समझ में आया कि क्यों, तो उन्होंने उन्होंने मुझसे ये चीज कहा, देखो सीएसआईआर जेआरएफ की प्रिपरेशन अगर तुम करोगी तो सिर्फ सीएसआईआर जेआरएफ नहीं, उससे रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है, इवन गेट, वो भी तुम बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लोगी। फिर उस समय मैं थोड़ी परेशान, मतलब श्योर नहीं थी कि मैं सच में ये प्रिपरेशन करूंगी कि नहीं करूंगी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगा नहीं, सर वॉज राइट और मुझे उनके साथ फॉलो करना चाहिए और मैंने इसको प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू किया। अच्छा प्रिया, आपने बीटेक किया कानपुर से, फिर लखनऊ आके कोचिंग ज्वाइन करने का आइडिया कहाँ से आया? है ना, आपने कैटलिस्ट लखनऊ मैम में ज्वाइन किया था। यस मैम, मैम एक्चुअली जब मैं वहां थी और जब मैंने प्लान किया था कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी है, तभी मेरी कुछ सीनियर से मेरी बात हुई थी और उन लोगों ने मुझे कैटलिस्ट कोचिंग के बारे में सजेस्ट किया था। और उसके पहले भी उन्होंने मुझे कुछ एमसीक्यू बुक दी थी कैटलिस्ट कोचिंग की, जिसको मैं सॉल्व करती थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा खुद से भी रिसर्च कर लेते हैं। रिसर्च करने के लिए मैं आती हूँ और मैं सर से, मतलब थोड़ा बहुत लोगों से, बच्चों से बात करती हूँ, इधर उधर रिव्यूज देखती हूँ और काफी अपने तरफ से रिसर्च करती हूँ। और फिर आके मैं सर से खुद डायरेक्टली बात भी किया और फिर मुझे ये चीज रियलाइज हुआ, नहीं ये कोचिंग वही है जिसकी मुझे सच में तलाश थी और मैं आके फिर मैंने इसे ज्वाइन किया था। गुड। अच्छा प्रिया, कुछ अपनी क्या स्ट्रेटजी रही आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी, थोड़ा सा उसको शेयर करिए हमारे साथ में। मैम, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मैंने सिर्फ वही किया जो आप लोगों ने कहा था, जैसे आपने, रुपेन सर ने, अनुभा मैम ने, जो जो आप लोगों ने मुझसे बोला करने के लिए कि आपको ये पर डे इतने कुछ आवर्स टाइम स्पेंड करना है पढ़ाई के लिए, आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व ही करना है, जो जो आप सभी बोलते थे मैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करती थी। और आज वो उसका रिजल्ट है कि एग्जामिनेशन सच में क्वालिफाई हो गया इतने सारे। ओके, वेरी गुड प्रिया। एक चीज़ और बताइएगा प्रिया, आजकल बच्चों के दिमाग में एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि जब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम करें तो हम कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें। जैसे लोग बताते हैं ना, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हम अलग अलग रेफरेंस बुक्स फॉलो करें, लाइक वॉइट एंड वॉइट या लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री के लिए, है ना, ब्रूस एल्बर्ट सेल बायोलॉजी के लिए, वॉटसन की बुक है आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। तो आपके हिसाब से क्या ज़रूरी है इन सारी रेफरेंस बुक्स को पढ़ना, या क्या पॉसिबल है इन सारी बुक्स को पढ़ना, ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? मैम, पहले तो मुझे भी यही लगता था कि इतनी सारी बुक पढ़नी पड़ेगी और 6 महीने की प्रिपरेशन में कैसे पॉसिबल होगा इतनी सारी बुक्स को पढ़ना। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन जब मैं कोचिंग में आई तो सर ने मुझे 3 बुक पकड़ाई थी उस समय, एक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और एक एमसीक्यू, और उन्होंने कहा यही बुक है जिससे तुम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और ट्रस्ट में उस समय मुझे सच में भरोसा नहीं हुआ था कि सच में ऐसा क्या पॉसिबल है। फिर मैंने कहा चलो अच्छा कुछ दिन आजमाते हैं, और क्लास करते करते विद इन 1 मंथ मुझे ये चीज रियलाइज हो गया सच में कि ये बुक मोर देन सफिशियंट है कि हम सीएसआईआर जेआरएफ एग्जाम को क्वालिफाई करें, क्योंकि उसके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते थे। और इसलिए मुझे 6 महीने के टाइम में इतना किसी के पास नहीं होता है कि वो इतने सारे स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़े, तो मेरे हिसाब से ये बुक्स मोर देन सफिशियंट है सीएसआईआर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, वेरी गुड प्रिया।
एक अगला सवाल मुझे बताइएगा प्रिया, जैसे आपने प्रिपरेशन करी है ना, आपने चीज़ें पढ़ी, उसके बाद आई एम श्योर आपने कोई टेस्ट सीरीज भी करी होगी, तो आपके हिसाब से टेस्ट यस सीरीज का मैम। क्या रोल है आपके प्रिपरेशन में? कितना इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना? मैम मेरे हिसाब से अभी तो हम सबको पता है कि एग्जामिनेशन जो हो रहा है वो ऑनलाइन मोड पे हो रहा है, और टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जनरली सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो यार बाद में दे देंगे टेस्ट, बाद में दे देंगे टेस्ट, मेन एग्जाम दे देंगे, फिर सोचते हैं अच्छा चलो अभी एग्जाम टेस्ट दे दिया तो सोचते हैं मार्क्स कम आ गया तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल सोच सोच के ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैंने ये चीज देखा है कि अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप अपने आप को एग्जाम के पहले परफेक्टली इवेल्युएट नहीं कर सकते हो कि आप किस जगह स्टैंड कर रहे हो, अपनी पोजिशन कहाँ, आपकी कमियां कहाँ है। टेस्ट सीरीज से हमें अपनी कमियां पता चलती है जो हम अपने ओरिजिनल मेन एग्जाम में नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल हर किसी को टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए, और ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही करो। हाँ, तभी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। वेरी प्रिपरेशन, गुड, हाँ तभी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। यस मैम। बिल्कुल 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 प्रिया। प्रिया एक सवाल और, अभी आप मतलब बच्चों के मन में जो रहता है कि जैसे अभी कोविड टाइम था, बहुत सारे बच्चे है ना घर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते, और हर एक है ना टाउन में अच्छी इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? मेरे ऑनलाइन हिसाब कोचिंग का क्या से रोल है यहाँ पे? हाँ यस मैम, मेरे हिसाब से ऑनलाइन कोचिंग एक बूम की तरह है सारे बच्चों के लिए इस कोरोना के टाइम पे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी पैंडमिक सिचुएशन है, बच्चे बाहर जा नहीं सकते हैं, और दूसरा आप घर पे बैठे बैठे अपने ही जहां आपका नेचुरल एटमोसफेयर है वहीं पे बैठ के आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको यहाँ से उस पर्टिकुलर कोचिंग में चाहे दूर हो चाहे पास हो जाने की जरूरत ही नहीं है, घर पे बैठ के आप वही प्रिपरेशन कर सकते हो जो आप वहां जाके कर सकते हो, तो आपका टाइम बचेगा और प्लस आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी जो कि वहां प्रेजेंट होकर होती है। तो ओके मेरे हिसाब बिल्कुल से ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है। ओके प्रिया। अच्छा प्रिया, कुछ आप सजेस्ट करोगे जैसे अभी जो बच्चे सीएसआईआर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीटेक किया है, कुछ सजेशन दोगे आप उनको? आपके हिसाब से क्या चीज़ें होंगी जो उनको ध्यान रखनी चाहिए? मैम जितना ये है कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना तो हमें बहुत मेहनत करनी है, बिना मेहनत के तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता है कि हम कभी कभी मेहनत करते हैं पर वो किसी डायरेक्शन में नहीं होता है, मतलब एक प्रॉपर बिल्कुल डायरेक्शन में मेहनत का होना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से मुझे ये प्रॉपर डायरेक्शन कैटलिस्ट कोचिंग से मिली थी, जहां मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 6 महीना है और मुझे अपना बेस्ट देना है। तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे हिसाब से हार्डवर्क हो लेकिन वो प्रॉपर डायरेक्शन में हो, जो मुझे कैटलिस्ट से मिला था। ओके। सो आपको लगता है ना कि बीटेक के लिए यूजफुल है? आप कुछ ऐसा मैसेज देंगी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए कि यस वो उस मैम, एग्जाम के बीटेक प्रिपरेशन? स्टूडेंट, यस मैम, बहुत सारे बीटेक के बच्चे ये सोचते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उन्हें ये लगता है क्योंकि हमारे फील्ड से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हम नहीं पढ़े होते हैं, तो उनको लगता है ये एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है गेट। पर मैं उन सबसे कहना चाहूंगी नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, और हमारे पास बल्कि बेटर ऑप्शन है सीएसआईआर जेआरएफ का। तो हमें सिर्फ एमटेक के लिए नहीं स्टिक करना, अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपके पास ऑप्शन है, आप सीएसआईआर जेआरएफ के थ्रू जा सकते हैं, और ये एग्जाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, जहां पे आप अपना बेस्ट दे सकें और इस एग्जामिनेशन को बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ आपकी बात से, है ना, क्योंकि इस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन अप होते हैं, आप अपनी चॉइस के यस मैम, अकॉर्डिंग किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, यस थैंक यू मैम, सो मच प्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।